एवरीवन, इट्स भूमि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह इयररिंग पहनने का शौक़ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसे कि सबको पता है कि आजकल फैब्रिक इयररिंग काफ़ी ट्रेंड में है, और फैब्रिक इयररिंग बनाने के लिए बस यूज़लेस कपड़ा या फिर अगर आपको आपके ड्रेस से मैचिंग इयररिंग बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो ये टोटली DIY है, तो इसकी कॉस्ट भी लो है, तो आप इसे खुद अपने लिए बना सकते हैं या फिर आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हमें ये राउंड हुप वाली इयररिंग लेने हैं, और ये मेरे पास किसी ड्रेस का बचा था तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। अब कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और इयररिंग के साइज से थोड़ा ज़्यादा कट कर लेना है। कट करने के बाद फोल्ड कर लेना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं यहाँ फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसे ड्राई के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद फिर से हमें छोटा छोटा फोल्ड करना है, और इसे अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए थ्रेड से नॉट बांध लेनी है। थ्रेड को कवर करने के लिए मैंने उसी फैब्रिक में से कट कर लिया था, और मैं उससे नॉट बांध लूँगी। उससे क्या होगा ना कि थ्रेड जो है वो विजिबल नहीं होगा। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे, बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं। अगर आपको आपके ड्रेस से मैचिंग कोई इयररिंग नहीं मिल रहे हैं तो आप ये फटाफट से बना सकते हैं, और ये राउंड हुप वाले इयररिंग्स तो सबके पास होते हैं, तो बस 2 मिनट में बना लीजिएगा। इसी तरह मैंने दूसरा भी बना लिया है, और ये रहा इसका फाइनल लुक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।